respected moderators, the panelists, and ladies and gentlemen. I come from the northeast Manipur. Suman ji ne abhi sab bataya tha fresh water lake ke bare mein. Hum isme dohrana nahi chahta hu, lekin Manipur ke bare mein thoda kuch aap log se jankari dena chahta hu. Aisa hai ki Manipur ke andar mein शुरू से भी 1988 से लेकर के आज तक और फिशरी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी है. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने लोकटाक डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम का एक डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का एक कंस्टेट बना दिया गया. हम सोचा था शुरू से 1983 की बाद में हम यहाँ मणिपुर में रहने वाले लोग बहुत दिक्कत पर गया, क्योंकि एक डैम बना रखा हुआ है मणिपुर के अंदर में. इस डैम बनाने के बाद हमारा ज़िंदगी एकदम मुश्किल पर गया, क्योंकि डैम तो बहुत छोटा है, मेगा डैम है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है. इस बनाने के बाद या सभी के लोग की ज़मीन सब इस पानी में डूब गया. कम से कम 83,450 agricultural lands are submerged, and the migratory fish are blocked. They come from the Irrawaddy Salient to Loktak. इसलिए हमारी ज़िंदगी एक मुश्किल पर गया. हम लोग को सर्वाइव होते है होता है वो लोकटाक लेक. इसमें आने वाले सब मछलियों को ब्लॉक करके रखा है, इसलिए मछली की संख्या कम पड़ गया. मछली पकड़ने वालों की संख्या तो ज़्यादा हो गया, दिन भर बढ़ते रहता है. लेकिन हम सोचा था स्टेट गवर्नमेंट ने लोकटाक डेवलपमेंट के नाम पर एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है, इसने हमारे लिए बहुत काम करेगा, ऐसा सोचा था. लेकिन इसके बदले उन्होंने क्या किया, लोकटाक को डिस्ट्रॉय करने वाला दाम को लिखने के अलावा वो लोग हम सोचा था वो दाम निकालेगा, इसका लोकटाक को इकोसिस्टम को बचाएगा और लोकटाक को बचाने के लिए काम करेगा, ऐसा सोचा था. लेकिन उन्होंने फिर भी एक बनाकर रखा हुआ है, द मणिपुर लोकटाक प्रोटेक्शन एक्ट 2006. इसके अंदर में ऐसा सेक्शन है, जितना भी वाटर बॉडी है लोकटाक के अंदर में, इसको कोल्ड जोन बना रखा है. कोल्ड जोन मीन्स नो डेवलपमेंट जोन और टोटली प्रोटेक्टेड जोन. इसलिए लोकटाक की सभा में जीने वाले लोग एकदम दिक्कत पर गया. शुरू से भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है. लेकिन इसलिए हमारा सोर्स के इसके उल्टी कर दिया गया, एक और लोकटाक डेवलपमेंट अथॉरिटी. इस एक ने हमको जीना हराम कर दिया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करता हूँ एक को रिफिन करने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल लोग लोकटाक डिपेंडेंस लोग सब इस एक के अंदर में आ करके उन लोग को ज़िंदगी एकदम दिक्कत पड़ गया. इसलिए और इठाई दाम नहीं निकलने से लोकटाक को नहीं बचा सकेगा, क्योंकि इसके सेंटेशन एकदम भर गया और पोल्यूशन भी भर गया. और फुमली बोलता है हमारे भाषा में इसका फ्लोटिंग बायोमास, इसको एकदम भर गया. इसको लिखाने के लिए लोकटाक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट बना रखा है. प्लानिंग कमीशन भी उन लोग 3,000 करोड़ ऐसा लेता है उन लोग ने, लेकिन फुमली लिखाने के लिए वो लोग ने फुमली नहीं निकलता. लोकटाक के दूसरे जगह में फूमजी सेव करके जो एक्सपांशन करेंगे बम्बू बर के करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अर्से प्लानिंग कमीशन से रुपये लेने के लिए वो लोग अपना जेब के लिए नहीं, वो लोकटाक की नहीं है, वो फिशरमैन लोग की नहीं है. ऐसा काम अभी मणिपुर में चलता है. लोकटाक प्रोसेशन एक्ट 2006 की इसके सेक्शन के अंदर में वो लोग ने एक सेक्शन था,
सेक्शन टू, सेक्शन टू के अंदर में जितना भी वो मर्सनी वाला है उसको ओकुपयार तृतीय करता है, ओकुपयार के नाम से जाना गया। जिनके अंदर में रहने वाले लोगों को इंक्लोजर ऐसा बोल करके नोटिस बना रख करके इसको एविक्शन करने के लिए 2011 में नोटिस जारी किया है। इसके बाद इस नोटिस के बाद लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी द ब्रन डाउन 777 द हाउसेस आउट ऑफ 1147। इसलिए हमारा सोर्स, हमारा ख्याल एकदम चला गया। अभी हम तो जीते जी मरने वाले, ऐसा काम चलते रहेगा तो लोकताक एकदम मर जाएगा, लेकिन लोकताक को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और फिशरमैन लोग भी जहाँ लोकताक से हट करके दूसरे जगह में जाएगा, लेकिन लोकताक तो बचा नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ नंबुन तो एक रिवर है, इम्फाल शहर से थ्रू होकर के लोकताक से आ रहा है। इसने 83,000 मेट्रिक टोर्स द सॉलिड वेस्ट द डंपिंग इनटू द लोकताक लेक डेली बेसिस। इसलिए सेंडेशन भी ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन भी ज़्यादा हो गया, इसके अंदर में रहने वाले मछली भी कमती पड़ गया। इसलिए इसका आसपास में जितना भी नदियां है अभी सूख गया, और बड़े बड़े तीन नदियां है, एक तो खुगा रिवर्स एंड सेंगमाई रिवर्स एंड मापीटन रिवर्स, तीनों रिवर के ऊपर में दाम बना रखा है। इसने पाली को रोक के रखा है, लोकताक में नहीं आता है, इसलिए लोकताक से ज़रूर सूख जाएगा। कम से कम सम दिक्कत के अंदर में लोकताक सूख जाएगा। लोकताक सूखने से हमारा मत्स्य जीवन हो मर जाएगा और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरे जगह में चला जाएगा, इसके ज़िंदगी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हमने लोकताक को बचाने के लिए इथाई डैम को डिकमीशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी पहले से बोल रखा है, और लोकताक पोर्शन ए को रिपिन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हम पहले भी मेमोरेंडम दिया है। उसके बाद फिशर में लोगों को जीने के लिए, फिशर में वेलफेयर एंड राय एक बनाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट से भी बात किया है, अभी इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। या SSF गाइडलाइन के अंदर में ये फिशर में वेलफेयर एंड राइट एक्ट, इसको डालने से बहुत अच्छा पड़ेगा, मछली जीवी के लिए इसको अच्छा रहेगा। कम से कम हम आशा करते हैं आज का वर्कशॉप, दो तीन का वर्कशॉप बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल से ऐसे वर्कशॉप लगातार करने से हम लोग को दिमाग में कुछ तो आएगा, बचा लेगा देश को बचाने के लिए, हमारे मत्स्य जीवन बचाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा काम करना, ऐसा वर्कशॉप करना, ऐसा कंसल्टेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।